मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। 2025 में पाकिस्तान को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इन हालात से निमटने के लिए क्या करना होगा, आज न्यूज़ पिशावर के नुमाइंदा कामरान अली ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जहां बख्श से बातचीत की है। आइए देखते हैं। मेरा नाम प्रोफेसर जहां बख्श है और मैं वाइस चांसलर हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पिशावर का। ख़ास वक्त के लिए दर्जा हरारत में तब्दीली आ जाए, वहाँ पे जो नमी है, बारिश है, उसमें तब्दीली आ जाए तो उसको हम मौसमी तब्दीली कहते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान इससे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। पाकिस्तान में तकरीबन 5% रकबे पर जंगलात है, जबकि एक सरसब्ज मुल्क के लिए ये जंगलात 25 से 35% होनी चाहिए। आगे जो इम्पैक्ट आ रहा है, जो असर आ रहा है, वो पानी की कमी का। 2025 में पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल होगा जहाँ पे पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह इंसान के लिए एक माहौल चाहिए उसकी बढ़ोतरी के लिए, तो इस तरह प्लांट्स के लिए एक ख़ास टेम्परेचर और मौसम और हवा इस तरह होने चाहिए। और हमें दो किस्म के बीज चाहिए इस वक्त मौसमी तब्दीली के तनाजुर में। एक वो पौधे जो कम पानी में वो ग्रो कर सके, दूसरा ये कि वो ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। ज़रात में तकरीबन 95% पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह हाउस होल्ड एक्टिविटी में 4% है 5% है। पाकिस्तान में हम क्यों पानी इस तरह बेदरक इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसकी कीमत कम है। हम जो पानी ज़मीन से निकाल रहे इतना रिचार्ज नहीं कर रहे, हमारे यहाँ रिसाइकलिंग नहीं है। पाकिस्तान में ये शरह जो है ये 1% है। हुकूमत को चाहिए कि हमें स्माल और लार्ज डैम बनाने, जंगलात को बढ़ाना, इसमें आवाम अपना हिस्सा डाले और पौधे लगाए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा पैदल सफ़र करने की आदत डाले, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल इस्तेमाल करें तो इससे भी तवानाई की बचत होगी, कार्बन फुटप्रिंट होगा।